हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुनर हाथों का। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए ये डिज़ाइन लाई हूँ। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इसको आप जेंट्स स्वेटर या बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ दो कलर में बनाया, आप चाहें तो इसको मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। चलिए इसको बनाना देखते हैं। बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। देखिए यहाँ पहले मैं अपना एक एज इट इज़ फंदा उतार लूँगी। जो फंदा हमें एज इट इज़ उतारना है उसको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। और फिर हम अपने ये 8 फंदे ऑरेंज कलर के धागे से हम इसको बुनेंगे। 1, 2, 3 सीधा सीधा बुनना है, ऐसे कुछ नहीं करना। 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 हमने उतार लिए 8 फंदे। अब जो ग्रीन बाकी अगले 4 फंदे हमें यूं ही उतारने हैं बिना बुने, इसको बुनना नहीं है हमें। फिर हम 8 फंदे ऑरेंज के बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर जो अगले 4 फंदे हैं हम बिना बुने उतारेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 8 फंदे हमने बुनने हैं, 4 फंदे बिना बुने उतारने, फिर 8 फंदे बुनने हैं, फिर 4 फंदे बिना बुने उतारने। इसी तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी सिलाई पूरी कर ली है। ये 8-8 फंदे मैंने ऑरेंज के उतारे हैं, बुने हैं, और 4 फंदे जो ग्रीन के हैं ये बिना बुने उतारे हैं। अब हम अपनी उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई में हमने जो फंदे बुने हैं उसको बुनेंगे और जो फंदे उतारे हैं उसको ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने उतारे। अब इसको हम बुन लेंगे। जो फंदे हमने बुने हैं उसको बुन के ही उतारेंगे। अभी जो फंदे बिना बुने हैं उसको ऐसे बिना बुने उतारेंगे। फिर नेक्स्ट जो 8 फंदे हैं हमने जो बुने थे उसको हम बुन देंगे। इसी तरीके से हमें अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड रो पे। थर्ड रो में हमें अब ग्रीन धागे से काम करना है। अब ऑरेंज का काम ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, ये सभी धागों फंदों को बुनना है हमें। सीधा सीधा इसको बुनते जाएंगे। ये लास्ट के जो दो धागे हैं ऑरेंज के बुने हुए, इसको हमें यहाँ पहुँचाना है और ये ग्रीन धागे को यहाँ लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये ग्रीन धागों को सिलाई में लिए, ऑरेंज को उतारे, इसको इस पर चढ़ा लिए। फिर ये दोनों जो धागे थे हमारे ग्रीन, इसको वापस इसमें डालें और अब इसको हम एक एक करके बुन लेंगे। तो ये वाले जो धागे हमें इसको बैक लूप से बुनना है। 1, 2 अब ये ऑरेंज वाले जो हमने उतारे थे इसको भी हम बुन लेंगे। इस तरीके से अब हमें फिर ये वाले जो ग्रीन धागे इधर करने हैं और ये ऑरेंज वाले हमें आगे करने हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने आगे से फंदे उठाए थे, अब हम यहाँ बैक साइड से ये ऑरेंज में सिलाई डालेंगे, ये दोनों फंदों में इस तरीके से, और ये ग्रीन वालों को नीचे गिरा देंगे। अब इस सिलाई में हम वापस से ग्रीन सिलाई में इसको उठा लेंगे और ये जो ऑरेंज फंदे हमारे यहाँ हैं इसको भी इसमें डालेंगे और एक एक करके इसको बुन लेंगे।
ग्रीन धागे से ही। इसे भी बनेंगे, इसे हमें फ्रंट लूप से ही बनना है। ये हो गया, अब उसी तरीके से ये बाकी के फंदे, हम जो 8 फंदे थे उसमें से 6 फंदे 4 फंदे जो हैं हम बुन लेंगे, और ये लास्ट के 2 फंदे जो हैं हमें फिर इधर से हेर फेर करना है इनका। तो ये 2 फंदे हमें यहाँ लाने हैं और ग्रीन वाले आगे, इस में हम आगे से सिलाई घुसाएंगे और ये ऑरेंज फंदे छोड़ देंगे। अब फिर ये ऑरेंज फंदे इसमें लेंगे और ये ग्रीन धागे इसमें ले लिए। अब इसको हम बैक लूप से बुन देंगे इस तरीके से, इसे हमें बैक लूप से बुनना है। अब ये जो ऑरेंज धागे हमारे फंदे हैं इन्हें भी हम एक एक करके बुन लेंगे। अब फिर वही रिपीट करना है, ये 2 धागे ग्रीन जो है हमें बीच में लाने हैं और ये 2 ऑरेंज हमें आगे लाने हैं। तो इसके लिए हम अब की बार पीछे से सिलाई डालेंगे ऑरेंज में, ये इस तरीके से पीछे से ऑरेंज में हमने सिलाई डाली, आगे से ग्रीन वाले फंदे उतार दिए, फिर ये ग्रीन को हमने सिलाई में लिया और अब ये ऑरेंज वाले को ले लिया इस तरीके से। अब इसको फिर हम एक एक करके बुन लेंगे। अब फिर ये जो 2 ग्रीन हैं इनको भी हम बुन के उतार लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। फिर 4 ऑरेंज हमें बुनने हैं, फिर यही 2 धागे हमें हेर फेर करने हैं। तो आगे से सिलाई डालें, ऑरेंज उतारें, इसी तरीके से हम इसको वापस सिलाई में ले लेंगे और इसे हमने बैक लूप से बुनना है। इसे बैक लूप से हम बुन के कंप्लीट करेंगे। अब ये 2 ऑरेंज जो हैं ये हम फ्रंट से बुन लेंगे इस तरीके से। फिर वही हमें रिपीट करना है, ये 2 इधर करने हैं और 2 ऑरेंज वाले आगे लाने हैं। तो इसको लाने के लिए हमें इस बार पीछे से सिलाई डालनी होगी। पीछे से इसमें सिलाई डालिए, दोनों ग्रीन छोड़िए, फिर वापस ग्रीन को सिलाई में लीजिए और अब ये वाले ऑरेंज ले लीजिए। इसी तरीके से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। इसी तरीके से इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने अपनी 3rd रो कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं 4th रो में, बैक साइड। इसे हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली हमें इसको उल्टा उल्टा बुन लेना है। जैसे हम उल्टा बुनते हैं उसी तरीके से हमें इसको उल्टा बुन के कंप्लीट कर देना है, बस इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, उल्टा बुनने के बाद ये हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से हो जाएगा। हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट पे यही 4 लाइन रिपीट करते रहना है, हमारा ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।